सात प्राथमिकताओं को प्रसारित करते हुए इसको हमारे मुख्यमंत्री ने सप्तषि के रूप में चर्चा की थी। आगे ना भैया इस पर काम किया है। इसको वर्ष के बजट में विशेष रूप से नौकरी पेशा मध्यम वर्ग के लोग जिनको इनकम टैक्स दिया देना होता था उस आय की सीमा को बढ़ाकर के 7 लाख रुपए कर दी गई है। 2014-15 के बाद पहली बार ये आय सीमा बढ़ी और उससे तो टैक्स पेयर हमारी जो सिटीजन है उनको उससे एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। युवकों को स्टार्टअप के रूप में काम मिल सके इसके दृष्टि से उस पर विशेष प्राथमिकता मिली। बजट में विशेष रूप से आर्थिक और रूप से पिछड़े और मोबाइल के अंदर नायक बनाने सब मिलाए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसके भीतर समावेश करने का प्रयास किया गया है जिससे कि समाज के सभी वर्गों को पूर्ण लाभ दिया जा सके। हमारी देश की अर्थव्यवस्था पिछले 9 वर्षों में 10वें स्थान से उठ करके आज 5वें स्थान पर आई है और विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उसमें से 5वें स्थान पर हम हैं। इस बजट का उद्देश्य रहा है कि नागरिकों के लिए औसत को उपलब्ध करवाना, विकास को तेज गति दिया जाना प्रदेश को मिलता है इसलिए कि हमारी 146 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहाँ 166 लाख हेक्टेयर जिसमें हम खेती करते हैं। यह देश का सबसे बड़ा भूभाग है जिसके भीतर खेती होती है तो स्वाभाविक रूप से उस योजनाओं का लाभ हम सबसे सर्वाधिक हमको प्राप्त होता है। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार राज्य स्तर पर भी कुछ योजनाओं को संचालित कर रही है जिसके माध्यम से हम लोगों ने बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती की योजना शुरू की है। सभी 47 विकास खंडों के भीतर 7 जो बुंदेलखंड के जनपद हैं उनके 47 विकास खंडों के भीतर इसी तरीके से अभी पिछले रवि के सीजन में 9.5 लाख मिनी किट राज्य के संसाधनों से निःशुल्क हम लोगों ने किसान भाइयों को तिलहन के सरसों के और चना मसूर के उपलब्ध करवाए जिससे राज्य के भीतर तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके वो राज्य योजना हमने कराया। केंद्र सरकार की योजनाओं से भी हमको अतिरिक्त आया तो हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों को समृद्धशाली बनाए जाने की दृष्टि से जो प्रयास हो सकते हैं क्रॉप इंटरवेंशन के माध्यम से वो काम हम कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन का काम कर रहे हैं। और भारत सरकार ने भी जो इस साल के बजट में रखा हुआ है उसके भीतर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एग्रीटेक के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो बजट की व्यवस्था किया है या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को देखते हुए जो बजट की व्यवस्था की है उसके भीतर उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा उसके भीतर हिस्सा मिलने वाला है। देखिए आज के डेट में अयोध्या एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है और यहाँ जो भी इंडिया आते हैं और उत्तर प्रदेश में आते हैं वो अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए इच्छुक रहते हैं तो इस दृष्टिगत लोग आएंगे यहाँ पे और इसके लिए हम लोग तैयार हैं। क्या पूरी तैयारी है कहाँ कहाँ जाएंगे उनका तो जहाँ पे जो लोग आते हैं जनप्रतिनिधि आएंगे या जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे तो जिनका उनका जो प्लान होगा उसके अनुसार उनको दर्शन कराया जाएगा। अयोध्या में जो विकास के कार्य हो रहे हैं कई कुंडों को सजाया जा रहा है ये जो फंडिंग जो आ रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं लगातार जो अयोध्या को डेवलप करने में सहयोग भी कर रही हैं तो क्या उन लोगों के हाथ में इस तरह से कुंडों को या अन्य चीज़ों को सुपुर्द किया? नहीं, अभी तो हम लोगों ने पर्यटन विभाग से आवास विकास विभाग से हम लोगों ने कुंडों का रेनोवेशन शुरू किया है, नमामि गंगे का भी उसमें फंड लग रहा है तो और हम लोगों ने ग्राम पंचायतों से भी फंड कन्वर्ज किया है तो अभी हमारे जो कुंड है स्थानीय स्तर पे हम लोग और शासन से बजट स्वीकृत करा के हम लोग कुंडों का रेनोवेशन कर रहे हैं। और आपने देखा होगा सूर्य कुंड है हमारा, अग्नि कुंड है, बहुत सारे कुंड हमारे हैं, 10 कुंड हमारे मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत अच्छे लेवल में आएंगे और रेनोवेशन उनका कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो बंधा है वो भी जल्दी ही मार्च अप्रैल तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और एयरपोर्ट का काम भी हमारा काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और उसको मई तक हमारा काम टर्मिनल बिल्डिंग का और एयर स्ट्रिप का फर्स्ट फेज का उसको हम लोग कर लेंगे। और चूंकि एयर स्ट्रिप में हम लोगों ने लेंथ और बढ़ा दिया है 845 मीटर और आगे किया है
और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी होगी, तो उसके लिए और भी हम लोग व्यापक तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी जो रखरखाव या देख रेख किसके हाथ में जाएगा, तो जैसे टिंडों का है, अलग अलग लोगों को नहीं, अभी हम लोग देखेंगे, विचार करेंगे। अभी तो उसको एडीए जिस कार्यदायी संस्था ने बनाया है, अभी एक साल के लिए वो कार्यदायी संस्था ही उसका देखभाल करेगी। अभी एडीए ने बनाया है, कुछ कुंडों को यूपीपीसीएल ने बनाया है कार्यदायी संस्था के रूप में, पत्र विभाग के द्वारा फंडिंग करके, तो अभी उनके द्वारा देखा जाएगा।